हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का तारीख है 29 जुलाई 2020। तो 29 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां से आकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को और भी प्रेस जरूर कीजिएगा। अब चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने BIS केयर ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय। दोस्तों, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मंत्री हैं रामविलास पासवान, ये देखिए आपके सामने है, जिन्होंने BIS केयर ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप BIS केयर लॉन्च किया। उन्होंने मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रशिक्षण पर BIS इन के तीन पोर्टलों का अनावरण किया। BIS केयर किसी भी एंड्रॉयड फोन से संचालित किया जा सकता है और उपभोक्ता इससे ISI मार्क और हॉलमार्क वाले उत्पादों की जांच कर सकते हैं। इसका उपयोग करके शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकती है। BIS एक देश एक मानक लागू करने की योजना भी बना रहा है। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन की बात बता देता हूं। तो ऑप्शन में रक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं वर्तमान समय में राजनाथ सिंह, जिनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है यानी चुनाव क्षेत्र है राजनाथ सिंह का गाजियाबाद में। चलिए ऑप्शन सी में है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या है? VVI क्वेश्चन, ये आपके लिए हेपेटाइटिस दिवस जो पूछा जाता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 का थीम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 का थीम है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विषाणु जनित हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बरूच बलमबर्ग के जन्मदिवस के स्मरणोत्सव के रूप में चुना गया, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की खोज की और इसका नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जो यकृत कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार हैं A, B, C, D और E, और इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में किसने हाई थ्रोपुट परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, ये देखिए आपके सामने हैं, उन्होंने हाई थ्रोपुट कोविड टेस्ट फैसिलिटी का शुभारंभ किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 उच्च थ्रूपुट कोविड 19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में स्थित 3 परीक्षण सुविधाओं से परीक्षण क्षमता लगभग 10,000 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए यह वायरस के शुरुआती पता लगाने और उपचार में मदद करेगा, जिससे कोविड 19 के प्रसार से लड़ने में मदद मिलेगा। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे वर्तमान समय में फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं और इनका कंस्टिट्यूएंट क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। एस जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं और इनका कंस्टिट्यूएंट क्षेत्र है गुजरात। और अमित शाह, जो कि हमारे वर्तमान समय में होम मिनिस्टर हैं यानी गृह मंत्री हैं और इनका कंस्टिट्यूएंट क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मौसम मोबाइल ऐप जारी किया है?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मौसम मोबाइल ऐप जारी किया गया है। चलिए जान लेते हैं ये मोबाइल ऐप क्या है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD हेतु मौसम ऐप जारी किया है। यह प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप आम जनता के लिए बनाया गया है और यह आकर्षक तरीके से मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करेगा। इसकी 5 विशेषताएं हैं, वर्तमान मौसम, नन कॉस्ट, आगामी मौसम स्थिति की चेतावनी, शहरी शहर का पूर्वानुमान, चेतावनी और रडार उत्पाद। इसे ICRISAT की डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ, जिसका फुल फॉर्म होता है डे टीम, IITM पुणे और IMD द्वारा विकसित किया गया है। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं वर्तमान समय में अमित शाह, और अमित शाह का कंस्टिट्यूएंट क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। और किसान मंत्रालय, फार्मर्स मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने INA कमांडेंट का पदभार संभाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल MA हम्पी होली। ये आपके सामने है वाइस एडमिरल हम्पी होली, जिन्होंने INA कमांडेंट का पदभार संभाला है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ABSM NM ने भारतीय नौसेना अकादमी INA कमांडेंट का पदभार संभाला। उन्होंने दिनेश के त्रिपाठी ABSM NM की जगह ली। MA हम्पी होली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। वह नौसेना पदक, कर्तव्य निष्ठा और अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि आपको ऑप्शन बी में भी देखने को मिल जाएंगे। और दिनेश के त्रिपाठी की जगह ले लिए हैं वाइस एडमिरल MA हम्पी होली। और दोस्तों ऑप्शन डी में राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि हमारे वायुसेना प्रमुख हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस IIT ने COVID-19 रैपिड टेस्ट तकनीक विकसित की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर। दोस्तों IIT खड़गपुर ने COVID-19 रैपिड टेस्ट तकनीक विकसित किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। IIT खड़गपुर ने किफायती परीक्षण वाली COVID-19 रैपिड टेस्ट तकनीक विकसित की। यह संपूर्ण परीक्षण अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस में होगा और परीक्षण के परिणाम मानवीय स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना 1 घंटे के अंदर विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उपयोग अत्यंत खराब संसाधनों वाले स्थानों पर किया जाएगा। यह रासायनिक विश्लेषण और परीक्षण परिणामों के लिए एक डिस्पोजेबल पेपर स्ट्रिप प्रयोग करता है। इसकी कीमत लगभग 400 रुपये प्रति टेस्ट होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी मनाया जाता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु सर्वोत्तम कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस के अनुसार स्वस्थ वातावरण एक मजबूत और स्वस्थ समाज की नींव है। यह दिवस लोगों को प्राकृतिक संसाधनों को संचित और संरक्षित रखने हेतु प्रोत्साहित करता है, जो अत्यधिक दोहन के कारण घट रहे हैं। और इसका उद्देश्य है भोजन, पानी आदि की बर्बादी को रोकना और उपयोग न होने पर लाइट, पंखे, AC बंद करके ऊर्जा बचाना। अब मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में आप लोग जो देख रहे हैं, 26 जुलाई को राष्ट्रीय कारगिल दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंपा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश।
बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंपा है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ईस्टर रेलवे के गेड स्टेशन से लोकोमोटिव को रवाना किया गया, जबकि दूसरी तरफ का स्टेशन दर्शन का होगा। इसके साथ भारत का उद्देश्य बांग्लादेश को अंतरदेश और अंतरदेश आंदोलन दोनों के लिए समाधान प्रदान करना है। ये लोकोमोटिव बांग्लादेश में यात्री और मालगाड़ी परिचालन की बढ़ती मात्रा के प्रबंधन में मदद करेंगे। चलिए मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बता देता हूँ। तो बांग्लादेश, जिसका राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है नेपाल, जिसका राजधानी काठमांडू, नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, नेपाली से रुपया मुद्रा है। चलिए भूटान देख लेते हैं, जिसका राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है भूटानिस नगुलट्रम, भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इतनी जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में ट्यूनीशिया के एक प्रधानमंत्री बने थे, वो भी चेंज हो चुके हैं, फिर से नए प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया के बने हैं। ये मत सोचिएगा कि पहला ही वाला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमचे मेचिची। ये देखिए आपके सामने है हिमचे मेचिची, जो कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और पहले बने थे एलिस फकफक, देखिए ऑप्शन बी में है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री हिमचे मेचिची को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने एलिस फकफक को सफल बनाया, जिन्होंने हितों के टकराव के आरोपों पर इस्तीफा दे दिया। दोस्तों एलिस फकफक जो हाल ही में बने थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकार बनाने के लिए उसके पास 1 महीना है। तो दोस्तों अब चलिए ट्यूनीशिया का बताया, तो ट्यूनीशिया के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया है कायस सईद और कैपिटल है यानी राजधानी है ट्यूनिस और मुद्रा है ट्यूनीशिया का ट्यूनिशियन दिनार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों का जो वार्ता है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री जनरल पब्राबो सुबियांटो ने किया। रक्षा मंत्रियों के संवाद के दौरान जनरल सुबियांटो को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर से, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू किया गया है हाल ही में। अब चलिए जान लेते हैं कि यह प्रतियोगिता क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की गई है। यह पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के नवोन्मेषकों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक खुली चुनौती के रूप में शुरू किया गया है। अब चलिए यहाँ डीआरडीओ का बात आया, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना किया गया था 1958 को और हेड है वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। अब चलिए इसरो देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को। डायरेक्टर है वर्तमान समय में डॉक्टर के सिवान और संस्थापक है विक्रम साराभाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। दो बार के ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैवीलैंड का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? तो आपका आंसर होगी ऑप्शन सी, 104 वर्ष। ओलिविया डी हैवीलैंड, ये देखिए आपके सामने है, जो कि दो बार ऑस्कर विजेता भी रह चुकी हैं और इनका निधन हो गया 104 वर्ष की आयु में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दो बार के ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैवीलैंड का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में हुआ था। वह अभिनेत्री जिसने कैप्टन ब्लड 1935, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड 1938, गॉन विद द वाइंड 1939, द स्नेपकिट, द हेरेस जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उसने हॉलीवुड की अनुबंध प्रणाली को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद में डी हैवीलैंड ला कहा गया। तो दोस्तों यहाँ का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। और दोस्तों इस चैनल पर आपको जीके जीएस भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज, जाकर के चैनल पे एक बार देख लीजिए, डाला हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।